हाँ जी स्टार्ट करते हैं ना। पहले मैं आपको आसान तरीका बताया था, तो जैसा कि आंखों से ही दिख रहा है ना कि ए और बी वेक्टर जो है वो क्या है, एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, ठीक है सर, दिख रहा है ना, एक्स और वाई प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या बोला, फाइंड द थर्ड वेक्टर कोप्लेनर विद ए एंड बी। तो क्योंकि दोनों ही वेक्टर एक्स और वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, दोनों के अंदर आई और जे कॉम्पोनेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब सी वेक्टर के अंदर भी क्या है, कुछ आई और कुछ जे आया होगा, के तो आई नहीं सकता, ठीक है ना, के नहीं आया होगा, आई और जे आया होगा। अच्छा और क्या दरक है, परपेंडिकुलर टू बी। अच्छा कुछ आई और कुछ जे आया है और वो क्या है, उसका डॉट प्रोडक्ट विद दिस जीरो आया है, ठीक है सर, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट विद बी वेक्टर जो है जीरो आया। और क्या रखा, मैग्नीट्यूड यूनिटी। तो ऐसा कुछ सोचो कि भाई डॉट जो है इसके साथ जीरो आ जाए, तो इसका डॉट जीरो आने वाला वेक्टर जो है वो लिख देता हूं, तो कितना आ जाएगा, टू आई प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस जे। ये ऐसा वेक्टर है जो इसके परपेंडिकुलर है और आई और जे कॉम्पोनेंट आ रहे हैं उसमें, सही बात है ना, पता है ना, डॉट प्रोडक्ट टू माइनस टू जीरो आ गया, ठीक है सर। तो एक ऐसा वेक्टर लिखा हुआ है जो आई इसके ए और बी के साथ कोप्लेनर भी है और बी के साथ परपेंडिकुलर, लिख लो अ वेक्टर कोप्लेनर विद ए एंड बी एंड परपेंडिकुलर टू बी। आज के बाद जब भी आप कोई दो वेक्टर देखो ना, जब भी कोई दो वेक्टर देखो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जरूर लेकर के देख लेना कि वो कहीं जीरो तो नहीं आ रहा, ठीक है ना, तो उसे आइडिया लग जाता है कि हाँ ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। जब भी कोई दो वेक्टर देखो फौरन उनका डॉट प्रोडक्ट लो, देखो कि वो जीरो आ रहे नहीं आ रहा, या फील आ जाती है कि हाँ एंगल एक्यूट है उन दोनों वेक्टर्स के बीच में, ऑब्ट्यूज है ऐसे, तो ये वो वेक्टर आ गया, ठीक है ना। अब क्या करना है अपने को, ये क्या बोला, मॉड क्या उसका, वन वन आ रहा है ना। अच्छा इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है कि भाई यहां पर जो प्लस माइनस आएगा, ठीक है ना, प्लस माइनस आएगा क्योंकि जीरो का नेगेटिव क्या है, जीरो ही आएगा, ठीक है सर। इसका क्या मॉड वन करना है ना, तो मॉड वन करने के लिए क्या करो, इसको जो है इसके मॉड से डिवाइड कर लो, तो डिवाइडेड बाय, इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए क्या किया, रूट फाइव से डिवाइड कर दिया, ये आपका आंसर।